नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? आज आप सभी के लिए टीम परीक्षा प्लस की तरफ से एक और बहुत बड़ा उपहार लेके आया हूँ, एक आपके लिए जो बहुत बेहतरीन हो सकता है आपकी तैयारी के लिए। आपने थंबनेल में देख लिया होगा सीटेट 2023, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, उन सब पे हम लोग यहाँ पे जिक्र करते हुए आपकी तैयारी निशुल्क तरीके से कितनी बेहतरीन तरीके से हो सकती है वो सब कुछ आप इस सेशन में देखने वाले हो। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और से कर लीजिएगा। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि सीटेट 2023 में नया क्या है। तो मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा बच्चों, सीटेट में कभी भी कुछ भी अगर हम सिलेबस और पैटर्न के हिसाब से देखें तो कुछ भी नया नहीं होता है। अगर नया होता है तो हो सकता है उसके क्वेश्चन पूछे जाने के तरीके, नंबर ऑफ फॉर्म्स या फिर आपके सेंटर एलोकेशन में नया हो सकता है, बाकी कुछ एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के हिसाब से कुछ भी नया नहीं होता है। मतलब जो पहले था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनके आधार पे ही आपका ये पेपर भी होने वाला है। तो जो बच्चे फ्रेशर हैं, जो नए बच्चे होते हैं, जो अभी अभी कोई भी बीए डीएलएड करके आ रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि अगर इस बार कुछ नया है तो वैसा कुछ भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपके पुराने जैसा है। और इसकी बेहतरीन तैयारी कैसे हो सकती है उसको मैं बता रहा हूँ, क्यों करनी चाहिए तैयारी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इतना बता दूं कि टीम परीक्षा प्लस इससे पूर्व में भी आपके सीटेट और यूपीटेट के बहुत बेहतरीन बैच चलाए। इससे पहले अभी जो केवीएस का एग्जाम आया था, इसमें अकेली ऐसी टीम थी जिसने, अकेली तो मैं नहीं बोलूंगा बट अकेली ऐसे इस मामले में बोलूंगा, जो निशुल्क चलाने के बाद सर्वाधिक बच्चों के साथ और सबसे बढ़िया सक्सेस रेशियो के साथ अगर कोई टीम यहाँ पे केवीएस के बैच को निशुल्क चलाई थी तो वो टीम परीक्षा प्लस थी। और आप जाके अभी भी उसके प्लेलिस्ट में उनके वीडियोज के कमेंट में जाके बच्चों के कमेंट में देखोगे तो कितने बच्चे पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, कितना सेटिस्फाइड और उनको कितना फायदा मिला है, ये केवीएस का बैच आपको बता देगा। और उसी के तर्ज पर हम लोग 2023 का बिल्कुल निशुल्क तैयारी आपको कराने वाले हैं। कैसे आप निशुल्क तैयारी करोगे उसको मैं आगे बताता हूं, लेकिन जरूरी है कि तैयारी क्यों करनी चाहिए। देखिए, अभी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश को ही ले लिया जाए, जो अपने सुपर टेट की परीक्षा में, जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा होती है उसमें यह बोल दिए हैं कि यूपीटेट और सीटेट का क्या किया जाएगा, स्कोर जोड़ा जाएगा, उनका एक परसेंटेज मार्क्स लिया जाएगा, 1/4 मार्क्स लिया जाएगा और उनके वेटेज के हिसाब से क्या होगा, उनका फाइनल मेरिट बनेगा। मतलब सुपर टेट की परीक्षा में अगर अच्छे अंक लाने हैं तो आपको यूपीटेट या सीटेट की परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं। अब रही बात ऐसे राज्यों में जहां पे उनके प्रदेश का जो टेट होता है वो नियमित रूप से नहीं हो पाता, बट सीटेट जो होता है वो साल में 2 बार होता है, तो बहुत सारे बच्चे अचानक से ही क्या करेंगे, एकदम उनकी बाढ़ आ जाएगी फॉर्म भरने की। क्यों? क्योंकि इस बार उन्हें केवल पास करने के लिए नहीं, पास तो वो ऑलरेडी हैं, लेकिन इस बार उन्हें स्कोर बूस्ट करना है और आपको भी स्कोर बूस्ट करना है, ताकि यूपी जैसे राज्य या फिर अन्य कोई ऐसे राज्य हैं जहां पे सुपर टेट में सीटेट या उनके राज्य के टेट की अगर मार्क्स जुड़ते हैं तो उस हिसाब से आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। तो इसलिए हमें इसकी तैयारी बहुत व्यापक रूप में करनी चाहिए। दूसरी बात, एक बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से, क्योंकि अभी देखा जाए तो सीटेट का जो पेपर आपका होने वाला है वो आपका जुलाई और अगस्त, मतलब ये आप जब से ऑनलाइन हुआ है मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है, और जब मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है तो जाहिर सी बात है कि आपको तैयार रहना पड़ता है नॉर्मलाइजेशन के लिए, हर चीज के लिए उस अकॉर्डिंग आपको तैयार रहना पड़ता है। तो अब यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे तैयारी आपको इस पैटर्न पे और बहुत रणनीतिक तरीके से कितने कम समय में, क्योंकि मई का महीना, जून का महीना, बस 2 महीने 60 दिन में आपको सीटेट निकालना है, और निकालना केवल नहीं है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। 150 में पहले क्या होता था, जनरल के लिए 90 सफिशियंट होता था, बट आप देखते हो कि सीटेट में बच्चा 140 135 नंबर लाना आम बात हो गई है, तो आप भी ला सकते हो। उसका पूरा तरीका मैं आपको रणनीतिक तरीके से बताऊंगा। तीसरी चीज होती है कि सीटेट में बहुत सारे बच्चे, आप अपने सीनियर से सुनते होंगे जो बच्चे फ्रेशर हैं, कि इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, सीबीएसई फॉर्म में होते हैं, एनसीईआरटी के बुक्स में होते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि सीटेट क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल बेस पे होता है, लेकिन सीटेट की अगर बात किया जाए तो राज्य स्तरीय जो टेट की परीक्षा होती है उनसे काफी आसान होता है, इस बात को समझिएगा। बस शर्तें आपका क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए और उस कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिस होना चाहिए। तो केवल आप कॉन्सेप्ट करोगे तो भी आपका केवल सिलेक्शन इन द सेंस आप ये बोल सकते हो कि हो सकता है आप उसके पास आ जाओ पासिंग मार्क के, या पास भी हो जाओ, बट एक अच्छा अंक आप बिना कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों के अच्छे होने से नहीं कर सकते। जो बच्चे 135 140 लेके आता है, नो डाउट कि उसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा होता है और उसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होती है, तो आपको कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों को बेहतरीन करते हुए चलना है। तो यहाँ पे या का विकल्प नहीं है आपके लिए, और का विकल्प होना चाहिए।
चौथी बात है कम समय में क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो टीम परीक्षा प्लस आपके लिए ये पूरा निशुल्क कोर्स लेके आई है और पूरे निशुल्क कोर्स में क्या बेहतर तरीके से आपको बताया जा सकता है, क्या बेहतर तरीके से कराया जा सकता है, वो सब कुछ आपको कोर्स में मिलने वाला है। और तैयारी का टाइम टेबल क्या होने वाला है, तो इसमें हम लोग आते हैं। अब एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले कि अगर आप परीक्षा प्लस के इस निशुल्क बैच से जुड़ना चाहते हो तो यह बहुत ही बेहतरीन बैच है। इसमें हमने दो मॉड्यूल में काम किया है, एक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लासेस, दूसरी आपकी प्रैक्टिस क्लासेस। जो कॉन्सेप्ट क्लासेस होगी बच्चों से रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दिया जा रहा है और वो रिकॉर्डेड फॉर्म में ऐसे दिया जा रहा है कि आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करोगे, गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, गूगल प्ले स्टोर पे आप परीक्षा प्लस ये वाला आप देख लो लोगो, ये आपको ऐप इंस्टॉल करना है। लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप ऐप डाउनलोड करोगे, अपने परचेजेस में जाओगे, ऐप में आपका नीचे सेक्शन होता है, वेबसाइट में आपको परचेजेस यहाँ पे दिखता है। जब आप परचेजेस करते हो तो सारे कोर्स वहाँ पे आपको आ जाता है। आप ऐप इंस्टॉल करोगे, परचेजेस क्लिक करोगे, आपको ऊपर ही सीटेट का प्राइमरी और प्राइमरी प्लस जूनियर दोनों का ही बेस्ट आपको देखने को मिलेगा। मैं इस बात को अगर बोलता हूं तो शायद गलत नहीं होगा कि बहुत सारे लोग 1000, 1200, 1500 इवन 2000 और कुछ ऑफलाइन संस्थाएं 6000, 8000 में सीटेट के कोर्स करवाते हैं। और अगर उनके पढ़ाने का तरीका देख लोगे, यकीन मानिए कि आप अगर यहां से कंपेयर करोगे तो ऐसा लगेगा इसका एक अंश भी वहां नहीं पढ़ाया गया है, तो वो केवल पैसे की बर्बादी आपकी करवा रहे हैं। और आप इतने छोटे नहीं हो कि मेरी बातों में आप आ जाओगे, खुद से समझदार हो, खुद से सारी चीजें जानते हो। हो सकता है मेरी बातें आपको थोड़ा सा अजीब लग रही हो, बट ये बात आप खुद भी जब आप जाओगे कंपेयर करोगे तो समझ में आ जाता है कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। और यकीनन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैं आपसे बोलूं कि ये बैच में निशुल्क क्यों किया, क्योंकि यकीन मानिए कि मेरी इसमें कोई अब मेहनत नहीं जा रही है। ये मेहनत में शायद 2-3 साल पहले ही हमारे सारे टीचर्स, हमारे सारे फैकल्टी मेहनत किए हैं। जब आपका कोर्स नहीं बदल रहा है, जब आपका सिलेबस नहीं बदल रहा है, जब आपका पैटर्न नहीं बदल रहा है, तो नई चीज़ हम क्या दे देंगे भाई आपको। इस कारण से ये जितने भी आपके रिकॉर्डेड बैचेज हैं, वो चाहे प्राइमरी प्लस जूनियर होगा या फिर आपका प्राइमरी का होगा, अभी मैं बता दूं कि ये ऐसे नहीं, इसमें जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे प्राइमरी में आपके 5 पार्ट होते हैं भाई, 4 लैंग्वेज में से 2 लैंग्वेज आपको, 2 लैंग्वेज आप बोल लो, जनरली बच्चे इंग्लिश या हिंदी या संस्कृत चूज करते हैं, तीनों में से कोई 2 लैंग्वेज चूज करते हैं। इसके बाद आपका मैथ्स हो जाता है, सीडीपी हो जाता है, ईवीएस हो जाता है। तो और इनमें देखा जाए तो आपका मैथ्स भी दिया गया है, ईवीएस के सारे पार्ट, सीडीपी के पार्ट, ईवीएस आप अलग देखोगे, सीडीपी आप अलग देखोगे, हिंदी आप अलग देखोगे, मैथ्स आप अलग देखोगे, इंग्लिश आप अलग देखोगे, मैं आपका संस्कृत भी करवा दूंगा, और इवन साइंस और सोशल साइंस वाले जो प्राइमरी जूनियर होते हैं उनका भी अलग है। तो मैं प्राइमरी का कर रहा हूं क्योंकि ज्योग्राफी में इसमें एड ऑन आपको दिया था, बायो में भी कुछ स्पेशली, क्योंकि ईवीएस के पोर्शन में बायो एक अलग से पूछा जाता है और ज्योग्राफी, इन दो से पूरी एनसीईआरटी में आप जाओगे तो एनसीईआरटी जो कक्षा 6 से 8 तक जो होती है वो साइंटिफिक अप्रोच पे एनसीईआरटी है। जो आर्ट वाला पार्ट होता है वो 8वीं कक्षा के बाद आता है। हिस्ट्री पॉलिटी और सिविक्स या इनकी मैं बात करूं, इकोनॉमिक्स की बात करूं, इस कारण से इसके अलग भी आपके वहां पे बैचेस लगाए गए। यही नहीं, आप इसमें स्टडी मटेरियल में जाओगे तो एक एक सब्जेक्ट का आपको बहुत विधिवत नोट्स, जैसे अगर मैं आपको सीडीपी ही दिखा दूं तो सीडीपी में सारे के पीडीएफ और बहुत बेहतरीन पीडीएफ, जैसे क्लास 1 और 2 साइकोलॉजी के नेट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पीडीएफ, अगर इस पीडीएफ को मैं आपको दिखा दूं कि इस पीडीएफ में है क्या, तो पूरी ये बुकलेट जो हमारी किताबें होती हैं वही आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दी गई हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो, और पूरी एनसीईआरटी पुस्तकों पर आधारित ये पूरा बनाया गया है, बाल विकास एवं शिक्षा विधियां, इसमें दूसरा जो नोट्स है, और ये देखो कितना बेहतरीन तरीके से सब कुछ की कॉल से परीक्षा के दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि सीटेट के विगत प्रश्न पत्रों का निरीक्षण करने पर यह देखा गया है अध्याय से इतने वर्षों में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, पूरा रणनीतिक तरीके से आपको पीडीएफ में बताया गया है। उसके बाद आपका टेबल के फॉर्म में कहां से आपको चीजें याद रखनी है, फैक्ट क्या याद रखना है, आपको यहां पर सारा कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो वो ये आप देखोगे, जैसे एकीकरण का सिद्धांत, तो एक एक चीज आपको क्या किया गया, पहले कॉन्सेप्टली समझाया गया है, टेबल में उसका फैक्ट दिया गया है। और यही नहीं, अगर आप किसी भी पार्ट का ले लोगे, आप सीडीपी का ले लो या फिर आप, चलो मैं मैथ्स का ही दिखा दूं, मैथ्स में ज्यादा नहीं, अगर मैं आपको, जैसे अगर आप पूरा सिलेबस देख लोगे तो पूरे सिलेबस में आप में है क्या, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ नंबर्स है, उसके बाद आपका रियल नंबर्स जो आपके डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस वही होते हैं। तो अगर आप देखोगे तो एक एक चीज को कितना बेहतरीन तरीके से, पहले उसे फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया गया है कि क्या होते हैं रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, उसके बाद इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेशनल कैसे होते हैं, उसके बाद अगर आप देखोगे तो उनकी सारी परिभाषा बताई गई है और उसके बाद उन पे क्या किया गया है, सारे परीक्षा प्लस पॉइंट की कहां से आपके क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअल बन जाते हैं वो सारे फैक्ट आपको यहां पे दिए गए। तो आप कोई भी, आप चाहे पीडीएफ खोल लोगे, कोई क्लास देख लोगे, अगर मैं आपको एक क्लास का भी दिखा दूं, या मैं एज अ डेमो के फॉर्म में दिखा दूं दे रहा हूं, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी आपको लंबी
लग रही हो, लेकिन अगर ये आप थोड़ा सा बहुत पेशेंटली देख लोगे तो निश्चित रूप से आपका बहुत सारा रुपया भी बचने वाला है, बहुत सारी एनर्जी भी बचने वाली है। और ये जब आप बच्चों, जब आप केवीएस वाले बच्चों का कमेंट देखोगे ना, तो आपको सब कुछ समझ में भी आ जाएगा कि हाँ यार कितनी ये सारे क्वालिटी आप चूज कर सकते हो, किसी भी क्वालिटी में देख सकते हो। मैं 360 अगर यहाँ पे लगा दूं और उस सारे क्वालिटी में अगर आप यहाँ पे देखो, इसमें आगे फॉरवर्ड करने का भी, स्पीड भी बढ़ाने का सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। हाँ ये यह अभी यहाँ पे प्ले नहीं हो रहा है सर यहाँ पे, बट अगर आप इसे ऐप पे खोलोगे तो ऐप पे आसानी से क्या हो जाएगा, प्ले भी हो जाएगा। इसमें स्क्रीनशॉट टाइप में कुछ ऐसा डिसेबल किया गया है, इस कारण से यहाँ पे आपको देखने में शायद बस थोड़ा सा इसीलिए इशू आ रहा है। बाकी ये सारे के सारे ही क्लासेस आपकी बहुत विधिवत तरीके से, यूनिट, डिजिट, डिविजिबिलिटी, डेसिमल, इंफ्रेक्शन, रिमाइंडर कॉन्सेप्ट, फैक्टराइजेशन, एलसीएम, एससीएफ, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के फिर सारे बीज गणित जो अल्जेब्रा का आपका पार्ट है, और यही नहीं फिर आपका जो टाइम, मनी और ये सारी चीजें हैं, कैपेसिटी, वॉल्यूम, ये सारी ही चीजें आपकी मैथ्स में भी बहुत विधिवत तरीके से कराई गई है। तो आपको बस इतना करना है कि आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जितना भी आपको कॉन्सेप्ट है आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, और इसके बाद आता है प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने आपको बोला कि कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस आपका दोनों ही जरूरी है, बिना इसके आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। तो आपको करना क्या है बच्चों, ऐसे समझो जो कॉन्सेप्ट की क्लासेस हैं ये आपको कहां पे दिया जा रहा है, ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस कहां पे दिया जा रहा है, ये परीक्षा प्लस ऐप पे दिया जा रहा है ना, परीक्षा प्लस ऐप पे। और आप जैसे ही कहां पे जाओगे, अपने ऐप इंस्टॉल करोगे, परचेजेस में जाओगे, आपको वहां पे आपको परचेजेस सेक्शन में पूरा कोर्स मिलेगा, और पूरा एक एक कॉन्सेप्ट लाइन टू लाइन, टॉपिक टू टाइप, चैप्टर वाइज सब कुछ एक ही जगह, कहीं नहीं भटकना है, आप देख सकते हो। दूसरा है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस का टाइम टेबल मैं आपको बता रहा हूं करना कैसे है। आपको बस इतना समय निकालना है कि मॉर्निंग 11 AM से लेके 2 PM तक किसी भी तरह आप, अगर ये 4 घंटा हमें दे देते हो, 3 घंटा 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, ये 3 घंटा अगर आप दे देते हो, तो इस 3 घंटे में आपकी बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस होने वाली है। डेली 11 बजे से लेके, तो आपकी मैं मैथ्स की क्लास, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे डरते हैं, और इस बात की मैं गारंटी दिला रहा हूँ कि मैथ्स में आपका पेडागॉजी वाला पार्ट भी मिला लिया जाए, कोर पार्ट भी मिला जाए, 30 में आप 28-29 अगर आप कमजोर अपने आप को समझते हो तो, और अगर आप एवरेज या मॉडरेट या अच्छा समझते हो तो 30 में 30 भी आपको मैं स्कोर करवा दूंगा। ये मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, ये 11 AM पे क्लास चलेगी। उसके बाद आपका 12 जो एकदम 12 नून पे, एग्जैक्ट 12 पे जो क्लास होती है, ऐसे आपकी सीडी ईबीएस की क्लास चलेगी, 12:30 से आपकी ईवीएस की क्लास चल जाएगी, ऐसे 1 बजे आपकी इंग्लिश की, 1:30 बजे आपकी हिंदी की, तो सारे ही सारे पार्ट। और इसके अतिरिक्त जो आपका हम दे सकते हैं वो आपको अलग से भी दे देंगे, जैसे संस्कृत का हो गया मैं उसको भी आपको कुछ वीडियो दे दूंगा, सीडीपी के कुछ अलग कॉन्सेप्ट हो गए मैं उनको भी आपको दे दूंगा, तो ये सारी चीजें। लेकिन आपको ये प्रैक्टिस करना है सुबह 11 बजे से। ये कहां पे चलेगा, ये परीक्षा प्लस यूट्यूब, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो इसी परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे ही चलेगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन पुश कर लीजिए, ताकि जब भी यहां पे क्लास हो, और ये क्लास अभी इमीडिएटली चालू है, मतलब आप जब भी वीडियो देख रहे हो आप अगली सुबह 11 AM पे आओगे और आपको ये क्लास यहां पे सीटेट की चलती हुई दिखाई देगी, सीटेट 2023, और बहुत बेहतरीन तरीके से। तो बच्चों एक प्रॉमिस मैं आपसे कर रहा हूं, एक प्रॉमिस आप भी मुझसे करिए, कि अगर मैं इतना एनर्जी लेके आपको पूरा का पूरा कोर्स फ्री दे रहा हूं, जो 4,000-5,000 में लोग ऑफलाइन में दे रहे हैं वो मैं पूरा फ्री दे रहा हूं, मैं चाहता तो उसमें मैं भी पैसा लगा के और बहुत अच्छा सा उसे कमा सकता था, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे और यूपी वाले बच्चे भी इस बार क्या हो रहे हैं, इसमें आ रहे हैं क्योंकि उन्हें स्कोर बढ़ाना है, और स्कोर बढ़ाने के लिए वो कुछ भी करते हैं, हर बार हजारों एडमिशन लेते हैं, इस बार भी ले सकते हैं, बट कुछ तो मैं सोच रहा, क्योंकि मेरी खुद की मेहनत नहीं जा रही, हां यहां की मेहनत जा रही है, बट यहां पे यूट्यूब दे रहा है, ये बहुत सिंपल सी बात है। तो इसमें बहुत जेन्युइनली वाली बात है कि इसमें मुझे आपसे कुछ लेना नहीं है, तो ये बात मुझे और आपको मिलकर प्रॉमिस करनी है कि अगर हमारी टीम आपके लिए इतनी तत्पर है मेहनत करने के लिए, तो आपको भी मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि हां सर आप जैसा बोल रहे हैं वैसा करेंगे, और आप देखिएगा बहुत बेहतरीन रिजल्ट, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आपको सीटेट यहां पे क्लियर होना है। और जो केवल सीटेट पास का टैग है ना, हम केवल पास नहीं कराएंगे, आपका स्कोर अच्छा हो, ताकि आप जैसे उत्तर प्रदेश या ऐसे राज्य स्तरीय बिहार में 7th फेज में बहुत सारी वैकेंसी जाने वाली है और उसमें बीपीएससी करा रहे हैं, उसमें भी आपका हो सकता है सीटेट या राज्य के स्टेट का आपका स्कोर कार्ड जोड़े, तो हम पहले से ही तैयार रहेंगे और इस बार अपने स्कोर को बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको मैक्सिमम चीज समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोर्स से जुड़ना है, इन द सेंस पूरा निःशुल्क कोर्स है, बस आपको पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो देखना है, तो आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मुझे पूरा कॉन्सेप्ट नहीं देखना है, तो यहां पे आपकी जो प्रैक्टिस क्लास है ये तो आपकी चलेगी ही चलेगी, यहां पे भी थोड़ी बहुत हम लोग क्वेश्चन के साथ ही थोड़ा थोड़ा थ्योरी डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि जो बच्चा एकदम फ्रेश रूप से पढ़े केवल यही करे उसको भी कोई दिक्कत
दिक्कत ना है। तो उम्मीद है कि यहां से आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। फिर भी अगर आपके दिमाग में हमसे कोई भी ऐसी इच्छा जगती है कि नहीं सर मैं आप ये कर दीजिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि हम आपकी किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं। और अगर हमारा सहयोग आपको पसंद आया होगा तो कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ ऐसे दो लाइन जरूर लिख के जाइएगा, और या फिर आप हमसे सहमत हो और हमारे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो, इसके लिए थम्सअप करके जाइएगा। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।